आज हम पढ़ाएंगे संगठन के सिद्धांत। एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मैंने भेज भी दिया है आप लोगों को। संगठन किसी भी योजना को अगर हम धरातल पर लाना चाहते हैं तो वहां पर संगठन का होना बहुत जरूरी है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो किसी भी स्थापना का जो मुख्य आधार है उसके संगठनात्मक ढांचे से उसको हम जान सकते हैं कि उसका जो ढांचा है, स्थापना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। एंड्रयू कार्नेगी ने संगठन के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कोई हमसे हमारे कारखाने ले ले, व्यापार ले ले, आवागमन की हमारी जो सुविधाएं हैं उनको ले ले, धन को ले ले, संगठन के अलावा हमारे पास वो कुछ भी ना छोड़े तो हम 4 साल में दोबारा से खुद को खड़ा करके दिखा सकते हैं। तो यानी उन्होंने संगठन के महत्व को इतना ज्यादा बड़ा बताया है कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप दोबारा से अपने को खड़ा कर सकते हैं, भले ही आपके पास और चीजें नहीं हैं। इसी तरह से उर्विक ने कहा है कि किसी वस्तु को पैदा करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं वही संगठन है। किसी लक्ष्य को हमें पाना है, किसी वस्तु को हमें पाना है, तो हमें संगठन पहले बनाना पड़ेगा, संगठन को हमें खड़ा करना पड़ेगा। मुने ने कहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि संगठन किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बने प्रत्येक मानव संघ का स्वरूप है। संगठन के सिद्धांतों का प्रतिपादन विभिन्न विद्वानों ने किया है, जैसे हेनरी फेयोल हैं, लूथर गुलिक हैं, एल उर्विक हैं, फ्रेडरिक ट्रेलर हैं, बिलोवी हैं, इन सब ने इसका प्रतिपादन किया है। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इन सिद्धांतों की आलोचना भी की है, जैसे हर्बर्ट साइमन है। तो साइमन ने इस सिद्धांत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि ये सिद्धांत केवल कहावतें हैं, प्रोबर्ब हैं और कुछ नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोबर्ब हैं ये। खैर, जो समर्थक हैं उन्होंने इसके अलग अलग तरीके से सिद्धांत बताए हैं। किसी ने 14 बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 4 बताए हैं, किसी ने 8 बताए हैं, लेकिन उन्होंने सिद्धांत जरूर इसके बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे हेनरी फेयोल हैं, तो हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि श्रम विभाजन पहला। श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ? काम का बंटवारा, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो आपके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए और इसके साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, जवाबदेही है आपकी। अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए। आदेश की एकता, आदेश ऊपर से चले तो वो नीचे तक जाए और सभी उसका अक्षरशः पालन करें। निर्देशन की एकता, यानी जो दिशा निर्देश दिए जाएं उनका भी एक साथ पालन हो। सार्वजनिक हित सर्वोपरि, जनता का जो हित है उसको सबसे ऊपर रखा जाए। पारिश्रमिक, जो लोग काम कर रहे हैं उनको समय पर पारिश्रमिक उसका मेहनताना भी मिले। केंद्रीयकरण, एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कोई एक मुख्य जो मुखिया है वो भी उसमें होना जरूरी है। पशुपान, ये विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करता है कि भले ही एक मुखिया है लेकिन जो पावर है वो कई लेवल पर बटी होनी चाहिए। नंबर 10 है
सत्ता अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, आप आदेश दे रहे हो, आदेश को कैसे मनवाओगे, कैसे काम करोगे जब तक आपके पास सत्ता नहीं। समता समानता भी होनी चाहिए, पदावधि की स्थिरता कि कितने टाइम तक आप जो काम है उसको करोगे, अगर स्थिरता नहीं है तब पूर्ण मनोयोग के साथ कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। पहल, कई बार मोटिवेट किया जाता है किसी काम को करने के लिए। सहयोग की संभावना, कोऑर्डिनेशन कितना हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इतने भी लोग हैं काम करने वाले, उनसे अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर लिया जाए। तो इस तरह से फेवल जो है इसके 14 सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए हैं। ये 8 सिद्धांत हैं, उद्देश्य का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, पशुपान का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत। बाद में लूथर गुलिक ने हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित होकर संगठन के सिद्धांतों को पोस्ट कोर्क के माध्यम से पेश किया, और पोस्ट कोर्क के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें योजना है, स्टाफिंग है, इन सब के बारे में बताया गया है। मुने और रैले ने संगठन के 4 सिद्धांत बताए हैं। लोक प्रशासन में संगठन के इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, और इनमें से हम एक एक करके अब ले लेंगे। जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं, सबको स्वीकृत हैं, तो इसमें पहला जैसे सिद्धांत है पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ी, ठीक है। तो पेयोल के अनुसार पद सोपान एक स्केलीय प्रक्रिया है। पशुपान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हायरेकी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, निम्न स्तर पर उच्चतर का शासन। जो निम्न श्रेणी का कर्मचारी है तो ऊपर के स्तर का जो अधिकारी है उसके ऊपर शासन करे, और ये स्टेप बाय स्टेप है, श्रेणीबद्ध है। कैसे है? पशुपान सिद्धांत का तात्पर्य स्तरबद्ध संगठन, जिसमें निम्न स्तर उच्च स्तर के प्रति उत्तरदायी होता है। जो लो लेवल का कर्मचारी होगा वो अपने से ऊंचे अधिकारी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, और प्रत्येक उच्च स्तर निम्न स्तर पर नियंत्रण रखता है। जो ऊपर का अधिकारी है वो नीचे के अधिकारी पर कंट्रोल रखेगा। सबसे पते की बात यह है कि अंतिम जो सत्ता है वो शिखर पर निवास करती है, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो टॉप पर रहता है, उसी में अंतिम सत्ता होती है। प्रोफेसर वाइट के अनुसार जब संगठन के ढांचे में चोटी से लेकर निम्न स्तर तक उत्तरदायित्व के तत्वों के जरिए अधिकारी अधीनस्थ जैसे संबंध का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, तब पशुपान का निर्माण होता है। आप देखें, ये आपको इसमें चित्र दिखाई दे रहा होगा कि मैंने बनाया है, पिरामिड नुमा है सत्ता को आप देखें, तो ये एक त्रिकोण के जरिए इसको समझाया गया है पशुपान के सिद्धांत को। ए जो टॉप पर बैठा हुआ है, ये क्या है? सर्वोच्च अधिकारी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक सर्वोच्च अधिकारी उसमें होगा, जिसे हम मुख्य कार्यपालक कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, वो होगा सत्ता के टॉप पर या शीर्ष पर बैठा हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि इसके नीचे जैसे बी और जी हैं, बी और जी के नीचे सी और एच हैं, सी और एच के नीचे डी और आई हैं, डी और आई के नीचे ई और जे हैं, ई और जे के नीचे एफ और के हैं। तो ऊपर एक व्यक्ति है
और उसके बाद हम नीचे की ओर जब चलते हैं तो कर्मचारी और अधिकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है, और उसी के अनुपात में जो शक्ति होती है वो भी हमारी बढ़ती चली जाती है। टॉप पर जो बैठा है उसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, फिर वहां से धीरे धीरे उस शक्ति का बंटवारा होता चलता है जो नीचे के स्तर तक जाता है। तो श्रृंखला है ये एक पूरी की पूरी। इसमें जो ए है ये क्या काम कर रहा है, आदेश देने का काम करता है, और इसके जो अधीनस्थ हैं वो क्या काम करते हैं, वो आदेश के पालन का काम करते हैं, और पालन के बाद उनके द्वारा क्या काम किया गया इसकी रिपोर्ट अपने से ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उसको देते हैं। जैसे ए के द्वारा कोई आदेश दिया गया वो विभिन्न स्तरों से होता हुआ निम्न स्तर तक पहुंचा, तो निम्न स्तर के जो सबसे नीचे जो कर्मचारी है वो अपने से ऊपर को, वो उसे अपने से ऊपर को रिपोर्ट भी करेगा, प्रतिवेदन देगा कि कितना काम हुआ है, सूचनाएं देगा, आंकड़े देगा, प्रार्थना पत्र देगा। तो इस तरह से सभी दस्तावेज अपने उच्च अधिकारी को वो मुहैया कराएगा। कहने का मतलब ये है कि आदेश का जो प्रभाव है वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, इसी तरह से जो संचार का प्रभाव है कम्युनिकेशन का वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। अब इसमें भी हम ये देख लेते हैं कि चूंकि इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होता है, चाहे हम ऊपर से चलें और चाहे हम नीचे से चलें। मान लीजिए ई है, आपको दिखाई दे रहा होगा ई को सी के पास, ये ई है और ये सी है, तो ई को सी के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता है। ई सी के पास सीधा नहीं पहुंचाएगा उसको, उसको मदद किसकी लेनी पड़ेगी, ये जो डी है ना बीच में इसकी मदद उसको लेनी पड़ेगी। तो नीचे से भी हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे और ऊपर से भी हम क्रमबद्ध तरीके से बढ़ेंगे। जैसे ए है तो वो डायरेक्ट सी को आदेश नहीं देगा, वो पहले किसको देगा, बी को देगा, और जो बी है वो सी को देगा। इसी तरह से हम नीचे से देखें कि एफ है, एफ को डी से, डी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो डायरेक्ट डी के पास नहीं जाएगा एफ, वो किसकी मदद लेगा, ई की मदद लेगा, यानी चलेगा स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी ही चलेगा। इसी तरह से मान लीजिए ये ई है, इसको जे से कोई काम है, हम अब इधर की साइड आ जाते हैं, जे से कोई काम है तो ई है ना डायरेक्ट जे से काम के बारे में नहीं कह सकता है, कोई सूचना उसको हासिल करनी है, कुछ उसको चाहिए तो वो जे से नहीं कह सकता इस चीज को, वो कैसे गुजरेगा, ई पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए फिर इधर आ जाइए आप जी एच आई और उसके बाद जे तक अपनी चीज पहुंचाएगा, यानी इतने स्तरों से इस ई को गुजरना होगा, सी डी बी ए जी एच आई और उसके बाद वो जे पर जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के कि पद सोपान में क्रमबद्ध तरीके से कार्य होता है, श्रृंखला है एक पूरी की पूरी, और वो श्रृंखला उस स्तर के अनुसार ही आगे बढ़ती है, ऊपर से चाहे आदेश के प्रवाह हो, नीचे से चाहे संचार के प्रवाह हो, वो एक एक स्तर को तय करते हुए बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है कोई अधिकारी है या कर्मचारी है वो काम ले लेगा, वो ठीक अपने से ऊपर वाले के प्रति जवाबदेह है और उसके अधीन है। तो इस तरह से ये पूरी जो श्रृंखला है वो चलती है। पशुपान के अभाव में किसी संगठन की कल्पना करना असंभव है। पशुपान एक ऐसा सिद्धांत है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है। इसमें संगठन अनेक क्रमिक स्तरों से
युक्त होता है और प्रत्येक अधीनस्थ अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। पशुपानी संगठन के प्रथम स्तर द्वारा जारी किया गया आदेश ऊपर से नीचे के स्तर पर सभी स्तरों के माध्यम से होकर पहुंचता है और इसी प्रकार कोई भी प्रतिवेदन निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचता है, चाहे आदेश हो और चाहे रिपोर्टिंग हो, तो वो सोपान को तय करके ही पहुंचेगी। भारत में पशुपानी संगठन का हम ढांचा देखें तो इसी तरीके से है पूरा का पूरा। जैसे मैं अगले पेज पर जाऊंगी, ये आप देखें पूरा चार्ट। मुख्य कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कौन है? मंत्रिमंडल। यहां मैं लिखना वो भूल गई हूँ, इधर की साइड आएगा मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर भी आपको पता है। मंत्रिमंडल सरकार के अंदर का घेरा होता है जिसमें 20 से 22 तक मिनिस्टर होते हैं, और मंत्रिपरिषद एक बड़ा घेरा होता है जिसमें 80 से 100 तक मिनिस्टर हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है कि मुखिया है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट है, उसके बाद आपकी मंत्रिपरिषद है। अब इनके नीचे मंत्रालय हैं, बहुत सारे विभाग हैं, ठीक है, फिर मंत्रीगण हैं। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं मंत्रालयों के? मंत्रीगण होते हैं, मुखिया होते हैं इनके। अब इसमें मंत्रीगणों में आप देखें राज्य मंत्री हैं, मंत्री भी कई प्रकार के होते हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद हम राज्य मंत्रियों को ले सकते हैं, राज्य मंत्री से जो नीचे हैं वो उप मंत्री होते हैं। ठीक है, फिर उप मंत्री के नीचे मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के नीचे अतिरिक्त सचिव होता है, अतिरिक्त सचिव के नीचे संयुक्त सचिव होता है, संयुक्त सचिव के नीचे उप सचिव होता है, उप सचिव के नीचे अवर सचिव होता है। तो इस तरह से ये जो काम का बंटवारा है वो देखिए आप इस तरह से बट जाता है। अब अवर सचिव के नीचे होते हैं अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी के नीचे मुख्य लिपिक, लिपिक मुख्य लिपिक के नीचे लिपिक होते हैं, और लिपिक के नीचे सहायक होते हैं। तो जैसे पिरामिड की तरह ही है ये पूरा का पूरा। इसमें हम एरो का अर्थ समझ लें, नीचे ये जो एरो हैं ये वाले, ठीक है, तो ये इस बात को शो कर रहे हैं कि कौन किसको नियंत्रित करता है, किसकी जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर है। और ये जो एरो हैं ऊपर की तरफ जो गए हैं ऊपर की तरफ, ये इसको इंगित कर रहा है कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी है। जैसे सहायक है वो लिपिक के प्रति उत्तरदायी है, लिपिक है वो मुख्य लिपिक के प्रति उत्तरदायी है, मुख्य लिपिक अनुभाग अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है, अनुभाग अधिकारी अवर सचिव के प्रति उत्तरदायी है, अवर सचिव उप सचिव के प्रति उत्तरदायी है, उप सचिव संयुक्त सचिव या उच्च प्रशासनिक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है। तो नीचे जाते हुए जो एरो हैं वो आदेश को दिखाते हैं कि कौन किसको आदेश दे रहा है, उसका पालन करवा रहा है और उसको कंट्रोल में ले रहा है। और ऊपर की ओर जो आप एरो देख रहे हैं ये जो जा रहे हैं ये बताते हैं कि जो तत्कालीन कर्मचारी है वो अपने तात्कालिक जो निकटस्थ अधिकारी है उसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्कलोड है वो इस सिस्टम का फायदा ये होता है कि वर्कलोड बट जाता है। अब जैसे मुखिया है राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर कार्यभार नहीं रहता है, उसका काम जो है वो बट जाता है। जब बट जाता है तो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोच सकता है और नियम संबंधी जो निर्णय होते हैं संगठन में कौन कौन से नियम होंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, संगठन की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, इतना उसको फिर टाइम मिल जाता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच सकता है। और इसका एक विशेषता इसकी ये है कि जो काम है
वो कार्यकुशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं उन्हीं को सौंपे जाते हैं, यानी ये पता होता है कि कौन किस काम को करने के लिए एक्सपर्ट है, तो उसको वो काम दे दिया जाता है। तो इसका लाभ ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग जैसे लापरवाह होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उनकी पहचान करना आसान हो जाता है और उनको दंडित करना भी आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बहुत अच्छा रहता है पशुपान की व्यवस्था बनाए रखने से, और कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है, जितने भी कर्मचारी हैं वो अनुशासन से बंधे हुए रहते हैं, काम में विलंब नहीं होता है, काम जो है वो समय से पूरे हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जब काम को आप बांट दोगे तो काम आपका जल्दी समय में निपट जाएगा, जब ज्यादा लोग उस काम को करेंगे तो टाइम कम लेंगे और काम अपने निर्धारित टाइम पर समय पर पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा पशुपान की व्यवस्था है, ये संगठन का सिद्धांत है, और अक्सर यह पूछा जाता है परीक्षा में ये सिद्धांत के बारे में कि पशुपान व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ भी इस व्यवस्था को लागू किया गया है, इसी के अनुसार हमारा पूरा जो संगठन है शासन व्यवस्था का वो चलता है। आज हम बात करेंगे इसके आगे पशुपान के लाभ की। पशुपान व्यवस्था को अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया जाता है तो इसके क्या-क्या लाभ हैं। तो जैसे डॉक्टर एमपी शर्मा ने कहा है कि ये एक प्रकार का धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्सों को एक साथ सिल दिया जाता है। तो पशुपान व्यवस्था क्या है, एक जैसे सुई होती है और उसमें हम धागा डाल देते हैं तो वो किसी भी फटे हुए वस्त्र को सिल देती है, ठीक कर देती है उसको। तो इसी तरह से जो पशुपानी व्यवस्था है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो धागा डली हुई सुई के समान है जो इसके विभिन्न विभाग हैं उनको सिल देती है, उनको उनके बीच में तालमेल बिठाती है, समन्वय स्थापित करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सुचारू रूप से चलता है। तो पहला जो इसका लाभ है वो ये है कि पशुपान से उद्देश्य में निश्चितता बनी रहती है। हम एक टारगेट लेके चले हैं कि हमें ये जो है पूरा करना है, तो वो तय हमारा रहता है, ऐसा नहीं है कि बार बार हमारा जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो बदल जाए, तो निश्चितता उसमें बनी रहती है। दूसरा फायदा यह है कि आदेश की एकता बनी रहती है, जो आदेश चला वो सबसे पहले अधीनस्थ के पास आया, फिर उसके अधीनस्थ के पास आया, तो सब लोग उसका पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, आदेश का पालन करने के लिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती है कि भाई इसको करना है, हमें तो नहीं करना, हम फ्री हैं, हम नहीं करेंगे इस काम को, ये हमारे लिए नहीं आदेश आया है। तो आदेश की एकता बनी रहती है, संचार व्यवस्था मजबूत हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं रहता, आदेश आया है तदनुसार उसके काम शुरू हो जाएगा, और काम के बाद रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था है, जवाबदेह संगठन के अंदर जितने भी अधिकारी गण और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी जवाबदेही तय कर दी जाती है कि भाई ये आदेश हुआ था, इस पे इस अवधि के अंतर्गत कितना काम हुआ है। तो रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था है कि नीचे का जो कर्मचारी है वो रिपोर्ट करेगा, बताएगा अधिकारी को कि इस जो है इस मुद्दे पर ये काम हुआ है। ठीक है, तो पशुपान की व्यवस्था में संचार व्यवस्था मजबूत होती है, पशुपान सिद्धांत के द्वारा संगठन में उचित मार्ग से काम किया जाता है जिससे सूचना प्रत्येक स्तर पर पहुंचती है। जैसे सबसे नीचे वाला जो है वो अपने से ऊपर वाले को देगा सूचना, ऊपर वाला फिर ऊपर वाले को देगा, तो इस तरह से पूरे जो स्तर हैं उन तक वो सूचना पहुंच जाती है, सबको ज्ञात हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे देखें, संगठन में प्रत्येक कर्मचारी का और अधिकारी का उत्तरदायित्व तो तय होता है, जवाबदेही तय होती है कि हमें काम क्या करना है, क्या हमारा काम है, जिससे कार्य समय पर पूरे होते हैं। जब हम हमें ये स्पष्ट हो गया कि सॉरी कि हमारा काम ये है, हमें ये काम करना है, तो हम उस काम को जिम्मेदारी से करेंगे और टाइम से उसको पूरा करके दे देंगे। तो उत्तरदायित्व तो हमारे क्या है कि तय होते हैं। संगठन में नेतृत्व निर्धारण आसानी से होता है, हमारा लीडर कौन है,
हमारा अधिकारी कौन है, वो हमें जो लीड कर रहा है, तो उसको तय करना, नेतृत्व को तय करना आसान होता है। पर सोपान से संगठन में समन्वय और अनुशासन स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, इस तरह से कामों का बंटवारा होता है अधिकारी गण और कर्मचारियों के बीच में कि तालमेल बना रहता है, संघर्ष विवाद की स्थिति या कोई ईगो प्रॉब्लम देखने में नहीं आती है, और अनुशासन स्थापित होता है, नियम से सब बंधे हुए हैं, नियमानुसार वो काम करेंगे, क्योंकि सबकी जवाबदेही तय कर दी गई है कि आपको ये कार्य करना है। इसके बाद नंबर 7 पे देखें, इससे अधिकारियों के बहुमूल्य समय की बचत होती है, वो और किसी काम में अपना टाइम दे पाएंगे, और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था से कई मामले निम्न स्तर पर ही संभाल लिए जाते हैं, क्योंकि जो ताकत है वो ऊपर से चली नीचे तक वो स्तरों पर बढ़ती चली गई है, तो उसका फायदा ये होता है कि लोकल लेवल की जो समस्याएं होती हैं उनको लोकल लेवल पर ही निपटा लिया जाता है, हमें ऊपर वहां देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तत्काल जो अधीनस्थ होगा कर्मचारी, एक अधिकारी ने कर्मचारी को आदेश दिया, वो फटाफट उस काम को उस लेवल पर निपटाएगा और अपने अधिकारी को सूचित कर देगा कि हमने ये समस्या जो है वो निपटा ली है, हमने ये काम कर लिया है। सत्ता का प्रत्यायोजन नंबर 8 पर देखें, सत्ता का प्रत्यायोजन करने पदोन्नति संबंधी कार्यों में पशुपान व्यवस्था से आसानी रहती है। सत्ता का प्रत्यायोजन यानी के शक्ति का बंटवारा, तो प्रत्येक स्तर पर उसका बंटवारा करना इस सिद्धांत में आसान रहता है, और पदोन्नति संबंधी कार्य कोई अच्छा कर रहा है तो प्रमोशन उसको मिलना चाहिए, तो इस तरह के जो काम है पशुपान व्यवस्था में वो भी सुचारू तौर पर होते हैं। लेकिन जैसे हर चीज के दो पहलू हैं, बहुत सारे लाभ हैं इस सिद्धांत के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कमियां भी उजागर होती हैं। अनिया क्या क्या हैं? पहला, जैसे इससे संगठन में सदैव उचित माध्यम का प्रयोग किया जाता है, इसके कारण कार्यों में अनावश्यक लाल फीताशाही का डर बना रहता है। उचित माध्यम, जैसे हमने अभी उदाहरण से समझाया आपको, मैं बैक में आपको लिस्ट लेके चलती हूं, जैसे एफ है, ठीक है, अब एफ को डी तक कोई सूचना पहुंचानी है तो उसको कहां से गुजरना होगा, ई, पहले फाइल यहां जाएगी ई के पास, और ई से फिर वो डी के पास जाएगी, तो लाल फीताशाही का मतलब होता है अनावश्यक देरी, काम में अड़ंगा पड़ जाना, अनावश्यक तौर पर उसका विलंबित होना। तो इसका घाटा यह है इस व्यवस्था का कि इसमें जो है स्तर तय है, उसी स्तर से काम होगा, तो इसकी वजह से कई बार जो काम है उसमें अनावश्यक तौर पर बहुत ज्यादा विलंब होता है, वो कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी हानि इसकी क्या है? पशुपान में आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बना रहता है, जिससे निम्न अधिकारियों को अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन अक्षरशः करना पड़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि उनमें पहल करने की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। काम क्रमबद्ध तरीके से होगा, अधिकारी ने जो आदेश दे दिया वो पत्थर की लकीर है, उसी के अनुसार काम अधीनस्थ को करना है, तो इससे पहल करने की भावना भी समाप्त होती है, कुछ हम एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, कुछ अपना रचनात्मक करना चाह रहे हैं, उस काम को और कुशलता के साथ करना चाह रहे हैं, तो उस तरह के आइडियाज ब्रेन में नहीं आते, क्यों, हमने तो अधिकारी के आदेश का अक्षरशः पालन करना है, ज्यों का त्यों करना है और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से जो अधीनस्थ है उसके पास मान लीजिए किसी काम को करने का बहुत अच्छा आइडिया है कि इसको इस तरीके से किया जा सकता है, रचनात्मक सोच है उसकी, कुछ मौलिक तरीके से उस काम को करना है या सुझाव है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उसको वैसे ही काम करना पड़ता है, तो पहल करने की जो भावना है वो समाप्त उसकी हो जाती है कि वो अपनी तरफ से कुछ पहल करके इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकता है।
नंबर तीन, पशुपान से उच्च और निम्न की भावना पनपने लगती है, यह संगठन में वर्ग भेद की समस्या को पैदा करती है। सीनियर और जूनियर, इस तरह की जो चीज है वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। क्यों? जो मुखिया है उसके पास सत्ता की चाबी है, समस्त शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो उसी के आसपास है, जो शीर्ष पर बैठा हुआ है, वहां से जो पावर है वो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 नीचे तक पहुंचती है। तो अपने से जो उच्च है वो कौन हो गया? सीनियर। निम्न है वो हो गया जूनियर। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संघर्ष या विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। जो सीनियर है वो उनमें इस बात को लेके अहम हो सकता है कि हम लोग तो वरिष्ठ हैं और हमें काम का ज्यादा अनुभव है, और जो जूनियर है उसमें हीनता इस चीज को लेके आ सकती है, असंतुष्टि आ सकती है। हो सकता है कि जो जूनियर है वो ज्यादा प्रतिभाशाली हो, किसी काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेता हो, है ना, क्योंकि अनुभव का अपना स्थान है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतिभा और योग्यता का भी अपना स्थान है। तो जूनियर भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो उच्च और निम्न है उसकी भावना पनपने लगती है और यह संगठन में वर्ग भेद की समस्या को पैदा करती है। इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में असंतुष्टि पैदा होती है, और अगर तालमेल गड़बड़ा गया तो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। नंबर चार है कि इस व्यवस्था से संगठन में रूढ़िवादी, कठोरता, नियमबद्धता की भावनाएं पैदा होती हैं। मतलब अनावश्यक तौर पे हम कहें कि एक कंजर्वेटिव टाइप की आइडियोलॉजी क्रिएट हो जाती है, कठोरता आती है संगठन के अंदर और नियमबद्धता। अब नियम से जरूरत से ज्यादा बंध गए हैं। जब कठोरता किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है तो रचनात्मक कार्य नहीं हो सकते हैं, क्रिएटिविटी वाले काम हो नहीं सकते हैं। मतलब एक मशीन की तरह हो गए हम लोग कि आदेश का बस हमें पालन करना है। जो आदेश आया हमने केवल उतना उसका पालन किया, अपना काम करके हमने दे दिया। संगठन की बेहतरी के लिए हम कुछ और अच्छा कर सकते थे, कोई प्रयास हम कर सकते थे, वो हम काम नहीं करेंगे। तो बड़ी मशीनी सी हमारी जो जीवन है वो हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही।